वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारियो, सानू अपने मन नूं त्रै गुण विचारां तों मोहित करन लई गुरमंत्र दा सिमरन अभ्यास सास कुरास विधि द्वारा करना पैंदा है, क्योंकि जेकर साडे मन विच त्रैगुणी भाव रजो सतो तमो दे विचार बनते हैं तां साडे स्वास खर्च हो रहे हुंदे हन। जदों असीं वाहिगुरु गुरमंत्र दा विधि द्वारा स्वास ग्रह सिमरन करके अपने त्रैगुणी विचार रोक लेंदे हन, भाव अफुर अवस्था विच चले जाते हाँ, तां उत्थे साडे स्वास जमा हुंदे हन। ते ये विधि आपां नूं गुरबाणी विच दसी है इस तरह कि जद असीं स्वास मुख राहीं अंदर नूं लैणा है तां वाहे शब्द बोलणा है, अते जद स्वास बाहर छड्डणा है तां गुरु दी आवाज़ देनी है, और जो साडे मुख चों आवाज़ प्रगट हो रही है वाह गुरु, उस आवाज़ नूं ध्यान द्वारा सुनना है। जिस बारे गुरबाणी गुरु का फरमान है, धुन मैं ध्यान, ध्यान मैं जानिया, गुरमुख अकथ कहानी। सो ये जे वाहिगुरु नूं मिलाप दा रस्ता है, इस नूं अकथ कहानी, अकथ कथा कहा गया है। इस दा भेद सानूं तां ही खुलदा है जदों असीं गुरमंत्र की धुन दे विच ध्यान रख के सिमरन करते हाँ, अफुर अवस्था विच जाते हाँ, तां सानूं इस चीज़ का ज्ञान हुंदा है। सो आओ आपां श्वास ग्रास सिमरन करिए जी। करो जी शुरू। वाह गुरु, 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 वाह गुरु। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।